इस वीडियो को बनाने में मेरे पूरे 10 दिन गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन 5.5 मिनट की वीडियो में कवर करी है। टाइम लैप्स मैंने बनाया है 10 दिन का, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं उगा रही हूँ चौसा आम, उसकी मैंने यहाँ पे आम ली है और आम की मैं एकदम पूरी गुटली जो है इसके ऊपर से पूरा पल्प निकाल लूँगी और धो लूँगी अच्छे से। और कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से आए। तो उसी तरीके से आम के ऊपर भी एक चीज़ अप्लाई होती है कि जो भी आप गुटली लोगे ना, वही आम आपको मिलने वाला है। अगर आपने मीठी गुटली ली है तो आपको फल भी मीठा मिलने वाला है, ये चीज़ भी होती है। तो सबसे पहले मैंने जो भी अपनी गुटलियाँ थी उसको वॉश कर लिया है अच्छे से। उसके बाद इसको सन ड्राई किया है। सन ड्राई मतलब कहते हैं कि धूप दिखाई है दो दिन धूप दिखाने के बाद गुटली कुछ ऐसी दिखेगी। और उसके बाद ना ये जो छोटा सा होल दिख रहा है, यहाँ से इसकी जो है ओपनिंग हमको करनी है। और इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना क्योंकि सीड डैमेज होने का चांसेस अंदर से रहता है। अगर आपने चाकू थोड़ा अंदर घुसा दिया तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगी फिर, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती करी है जो मैं आपको दिखाऊँगी आगे वीडियो में। तो लेट्स होप कि मैं इसको पहले तो अच्छे से ओपन करूँ। बहुत कोशिश करी मैंने इसको चाकू से ओपन करने की, मैं 5 मिनट तक लगी रही इसमें। और बाहर कर रही थी बालकनी में, तो थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि लोग देख रहे होंगे उधर के। फिर मैं बेलन लेके आ गई और फिर बेलन से मैंने इसको खोला और जो सीड थी उसका थोड़ा चूरा हो गया था और ये टूट चुकी थी बीच में से। आप देख सकते हो अलग ही दिख रही है, टूटी हुई सी, और ये टूट गई है। और इस पॉइंट में मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसको ही जर्मिनेट कराऊँ। जो इसकी लोब है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इंटैक्ट रहे। और ये 2 लोब होती है इसकी, कोटिलीडॉन बोलते हैं इसको। और जो 4 आम थे उसमें से जो 2 थे वो तो ख़राब हो गए, और 2 जो थी वो साबुत बहुत अच्छे से निकल के आई है। तो ये दोनों तो बहुत अच्छे से जर्मिनेट करेंगी, जिनकी मैं गारंटी ले सकती हूँ। बाकी इन दोनों का पता नहीं है, शायद कर जाए तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, वापस से आम खा के वापस से दूसरी गुटली को हम लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे कोकोपीट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। कंटेनर अभी मैं छोटा ले रही हूँ क्योंकि हमको सिर्फ अभी रूट्स ग्रो करानी है, और जब ग्रो हो जाएगी तो मैं इसको फिर बाद में बड़े ग्रो बैग में या फिर ज़मीन में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। सीड को थोड़ा सा नीचे रखा है मैंने ताकि जब आपका सीड स्प्राउट होगा ना तो कोकोपीट भी बाहर निकल के आ जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बीच में रखूँगी सीड को, और पानी डाल के इसको 2-3 दिन धूप लगाऊंगी बढ़िया। और बार बार पानी मैं इसमें दूंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है कोकोपीट में। और ये 2 दिन बाद की ग्रोथ है, आप देख सकते हो इतना सुंदर इतना क्यूट स्प्राउट इसमें से निकल के आया है। और सिर्फ 2 दिन के अंदर अगर आपका इस तरह का प्लांट है, और ये 5 दिन के बाद की ग्रोथ है, 5 दिन के बाद अगर आपका मतलब आम का पौधा रेडी हो रहा है ना बॉस, तो आपको लगाना चाहिए आम। आप क्यों गुटली खा के फेंक देते हो? जो अगर आपको आम पसंद है वो वैरायटी आप लगाओ, घर के सामने लगाओ, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसके अंदर लगाओ, बहुत मज़ा आएगा आपको गार्डनिंग करने में। और ये 10 दिन के बाद की ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट लग रहा है। 2 पत्तियाँ इसमें आ गई हैं, अभी जो पत्ती है वो ब्राउन है, जब जैसे ही प्लांट बड़ा होगा ना थोड़ा, तो फिर पत्तियाँ जो है वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाएंगी। और इस मोमेंट पर मुझे इस पॉट में से इसको निकालना है और शिफ्ट करना है एक बड़े ग्रो बैग के अंदर, या फिर ज़मीन में भी आप इसको लगा सकते हो। मैं ना इसको अभी अपने ग्रो बैग में लगा रही हूँ क्योंकि मैं बालकनी वाला मेरा सिस्टम है यहाँ पे, तो मेरे पास कुछ है नहीं। और पहले तो मैं मिट्टी रेडी कर लूँगी। तो ये गार्डन सोइल मैंने लिया है यहाँ पे, और मैं रिवर्स एंड यूज़ करूँगी यहाँ पे। और रिवर्स एंड के अलावा मैं कोकोपीट और कंपोस्ट यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, कोकोपीट ऑप्शनल है। तो ये 3 चीज़ें मैं ऐड करूँगी। रेशो क्या होता है, मैं अपने इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं बता चुकी हूँ सॉइल मिक्स कैसे बनाते हैं, तो आप सीख ही गए होंगे बनाना। बहुत अच्छे से सारे प्लांट के लिए चला जाएगा, वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेकोर प्लांट, सबके लिए आप इस तरह का सॉइल मिक्स बना सकते हो। और मैं इस सॉइल मिक्स के अंदर ना ये सूखा जो हमारा पत्ता है, वो सूखे पत्ते जो हैं उनको भी मैं ऐड करूँगी यहाँ पे। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं, इसको फेंको मत, ये कचरा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सोना है पौधों के लिए। तो इसको ज़रूर आप डालो, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स रिच होता है ये, आपकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनेगी। उसके बाद मुझे पता नहीं मैंने क्यों अपने हाथ से इसकी जो रूट्स है उसको कवर कर दिया। मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था इसकी रूट्स को कवर करने का, क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि रूट्स का जर्मिनेशन किस तरीके से हुआ है, कितनी हेल्दी रूट्स जर्मिनेट हुई हैं कोकोपीट के अंदर। और मेरा सच्ची में बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, और मैंने इसको हाइड करके लगा दिया प्लांट को। और लगाए हुए प्लांट को ना 2 दिन हो गए हैं, और ये वॉइस ओवर में 2 दिन बाद दे रही हूँ, तो मैं अब इसको निकाल भी नहीं सकती हूँ मिट्टी में से। और जो
प्लांट है वो अब रेडी है इस ग्रो बैग के अंदर ग्रो करने के लिए। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको ज़मीन में या फिर बड़े वाले ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी। अभी ये 15x15 के ग्रो बैग के अंदर मैंने इसको शिफ्ट किया है। आप मिट्टी देख सकते हो कितनी अच्छी ड्रेनेज सॉइल बनाई है, सारा पानी जो है वो मिट्टी ने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये वीडियो था फ्रॉम day 1 to day 10। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बता दो कुछ कुछ। और इस प्लॉट के अंदर मैंने अपने टूटे फूटे जो गुठलियाँ थी उसको डाला है। और ये जो फूलों के पौधे आप देख रहे हो ये है हमारा अपडेट ऑफ पोर्सिलेन प्लांट जो मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, लगाया था 3 हफ्ते पहले, और इसमें बहुत अच्छे से अब फ्लावरिंग हो रही है। और ऐसे सच वीडियोस के लिए मेरी चैनल को फॉलो कर लेना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।